हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी कुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो शीरे की रेसिपी। तो चले अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैंगो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं उसमें 1/2 कप जितना घी ऐड करूंगी। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है हम उसमें ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी सूजी ली है। यहाँ पर सूजी आप जो बारीक या तो फिर मोटी आती है कोई भी टाइप की ले सकते हो। अब हम लो गैस की फ्लेम पर सूजी को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। गर्मी के मौसम के लिए मैंगो शीरा एक परफेक्ट डिश है, क्योंकि हम मैंगो शीरा को सीजनल फ्रूट का यूज करके बनाएंगे। 3 से 4 मिनट तक सूजी को अच्छे से रोस्ट करने पर आप देख सकते हो कि अब इसका कच्चापन है वो दूर हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब बारी है इसमें चीनी ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब से हमने जितनी सूजी ली है उसके बराबर ही हम चीनी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चीनी हम थोड़ी सी कम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मैंगो का यूज करने वाले हैं और मैंगो ऑलरेडी स्वीट रहता है। अब हम चीनी को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे और फिर हम ऐड करेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। 2 से 3 मिनट हो चुकी है और अब हमारी चीनी भी अच्छे से मिल चुकी है इसमें। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैंगो पल्प लिया है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करोगे आप देखोगे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एकदम ही ब्राइट येलो कलर इसका आ चुका है। लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस, और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब बारी है इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दूध लिया है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। मिल्क ऐड करने के बाद हमें उसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। और अगर आप उसे लम्प फ्री बनाना चाहते हो तो आप उसमें हल्का सा गर्म दूध इस्तेमाल कर सकते हो। लो गैस की फ्लेम पर हम उसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर आप चाहो तो ढक्कन को बंद करके भी इसे पका सकते हो। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे को पानी में भिगो करके रखा था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। केसर ऐड करने से हमारे शीरे का कलर है वो और भी ज्यादा गॉर्जियस आएगा और बहुत ही अच्छी फ्लेवर शीरे में आएगी। अब हम इसे कंटिन्यूअसली थोड़ी देर के लिए अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा जो शीरा है वो अच्छे से पक जाए। और फिर मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़े से चॉप किए हुए काजू, और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉप करके बादाम ली है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इससे हमारे शीरे में बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। अब मैंने यहाँ पर मैंगो को चॉप करके लिया है, तो 2 टेबलस्पून मैं उसमें चॉप की हुई मैंगो ऐड करूंगी। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने घी और केसर लिया है, इसे हमारे मैंगो शीरे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इलायची पाउडर अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मैंगो के स्पीसीज ऐड किए हुए हैं। अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम उसे सर्व कर लेंगे और गार्निश करेंगे थोड़े से मैंगो स्पीसीज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।